अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत अपनी पहली हिंदी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर अमिताभ बच्चन और गुलशन ग्रोवर भी पहुंचे। ये हिंदी के लिए मेरी पहली फिल्म है और हिंदी में रिलीज हो रही है और मेरे ख्याल से कुछ राउंड 1,000-1,500 थिएटर करने का चल रहा है। अगर वो करते हैं तो ये फिल्म में एक्चुअल आज का जो माहौल है उसी पे पिक्चर है। Well, इस फिल्म में जया बच्चन है और अमिताभ बच्चन भी, लेकिन अमिताभ बच्चन को दीपक सावंत ने फिल्म करने के लिए कैसे मनाया, जरा आप दीपक सावंत से खुद ही सुन लीजिए। पिक्चर में हम लोगों ने जया जी को ये किया था कि जया जी का पूरे इसमें रोल था और जब पिक्चर शुरू हुई बन गई, जया जी का काम करना था, उस समय हमको ऐसा लगा कि जया जी के अपोजिट किसको ले, छोटा मोटा आर्टिस्ट लेने से बेटर है। तो हमने जया जी को बोला कि भाई आप अगर हमको थोड़ा सा वो करें, अमित जी आएंगे, आप आएंगे, तो थोड़ा सा दोनों अच्छा भी देखेगा और पिक्चर को थोड़ी ऊंची हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो जया जी ने बोला बात कर लो, फिर मैंने थोड़ी सी बात कर ली और अमित जी का बहुत मतलब मैं उनके ज़िंदगी भर में इतना आभारी हूँ उनका कि उन्होंने कभी भी मैंने बोला तो उन्होंने कभी ना नहीं कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर उनके पांव धो के जिंदगी भर पीता भी रहूंगा ना तो भी उनके उपकार नहीं भूल सकते। Well, ये सुनकर कहना गलत ना होगा कि जहां दीपक सावंत ने मेकअप करके अमिताभ बच्चन की लाइफ और करियर बनाने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, वहीं अमिताभ बच्चन ने भी लाइफ भर दीपक सावंत को किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।